द इंटायर वाटर ऑफ द सी कैन नॉट सिंक अ शिप अनटिल इट गेट्स इन साइड पूरे समुद्र का पानी किसी जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक कि वो पानी उस जहाज के अंदर नहीं चला जाता सिमिलरली दगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट पुट यू डाउन अनटिल यू अलाउ इट इन साइड यू पूरे संसार भर की बुराई और नकारात्मक सोच तुमको प्रभावित नहीं कर सकती तुमको गिरा नहीं सकती तुमको पराजित नहीं कर सकती जब तक जब तक कि तुम उस नेगेटिविटी को अप, अपने आप पर अपने अंदर हावी नहीं हो जाने देते वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बाई फाई सक्सेस क्लासेज गाइज मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ गाइज आज के इस न्यू वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश प्रोज से नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है होम कमिंग होम कमिंग इज बाय रविंद्रनाथ टैगोर गाइज ये जो लेसन है होम कमिंग इसको रविन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा है गाइज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड इट हैज़ अ ग्रेट स्टोरी ऑल्सो इसकी जो कहानी है वो वाकई बहुत ही इंस्पायरिंग है और साथ ही साथ कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको फन के साथ साथ इमोशंस भी प्रोवाइड कराता है सो गाइज द स्टोरी स्टार्ट विद द हैपीनेस बट इट एंडस विद द सोरो कहानी की शुरुआत खुशी के साथ होती है इट इज़ अ फुल ऑफ फन बट इसका जो एंड होता है वो बहुत ही दुखमयी होता है सो गाइज कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड अबाउट थ्री पार्ट्स और ये जो वीडियो है वो गाइज कम से कम तीन पार्ट में पूरा होने जा रहा है सो गाइज़ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अबाट टेक्स्ट ऑफ द लेसन गाइज मैं आपको बता दूं कि जो इस लेसन का टेक्स्ट है वो आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाई देगा सो रीड लाइन टू लाइन सो गाइज इन लेसन इस लेसन में ऑथर जो है रविनाथ टैगोर स्टोरी को नरेट करते हैं और बताते हैं फटिक चक्रवर्ती हेयर गाइस एक करेक्टर है boy, एक लड़का जो कि इस कहानी का करैक्टर है जिसका नाम है फटिक चक्रवर्ती गाइस फटिक इसे आप फटिक भी पढ़ सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ लोकल हिंदी वर्ड यूज इन English लेसन एक हमारा हिंदी का वर्ड है जो कि लोकल एरिया में गांव में इत्यादि में इस प्रकार के नाम हुआ करते हैं जिसको इंग्लिश में यूज़ किया गया है तो आप फटिक भी कह सकते हैं और फाटिक भी कह सकते हैं सो so हेयर फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज कहानी है एक लड़के की उस लड़के की जिसका नाम है फटिक चक्रवती और ये लड़का जो है अपने ग्रुप के लड़कों का रिंग लीडर है गाइस, रिंग लीडर मीन्स जो बॉयज होते हैं जब उनका अपना ग्रुप होता है उन ग्रुप में कोई ना कोई बॉय जो होता है वो उस ग्रुप का लीडर होता है इसलिए उसको रिंग लीडर कहा गया मतलब अपने ग्रुप का लीडर अ न्यू मिस गॉट गॉड इन टू हिज हेड कि जो लड़का है जो कि अपने ग्रुप के साथ जिसका वो लीडर है वो फन कर रहा है इंजॉय कर रहा है और नदी के किनारे घूम रहा है उसके दिमाग में अचानक एक चकल्लस आती है अ न्यू मिस गॉट गॉड इन टू हिज माइंड एक अचानक से एक खुरापात पैदा होती है एक चकलस आती है यू अंडरस्टैंड कि चकल्लस और खुरापात किस प्रकार के शब्द हैं जो हमारे लोकल हिंदी वर्ड में यूज़ किए जाते हैं There वॉज a heavy log लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी shaped इन टू mast फॉर अ बोट और वो खुरापात चकल्लस इस प्रकार की थी कि नदी के किनारे जहां पर इनका ये ग्रुप जिसका ये लीडर है फटिक चक्रवती जो खेल रहा था वहां पर एक लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ था लकड़ी का लट्ठा या इट मीनस लकड़ी का वो टुकड़ा जो कि बड़ा लंबा चौड़ा था तने का हिस्सा पड़ा हुआ था और ये जो लकड़ी का टुकड़ा था ये टुकड़ा नदी के किनारे इसलिए पड़ा था क्योंकि उस टुकड़े को जो था जो बोट होती है पानी में जो बहने वाली जो पानी में यूज किए जाने वाली जो नाव होती है नाव के लिए मास्ट बनाना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्ट मास्ट मीन होता है मस्तूल मस्तूल का मतलब होता है कि किसी भी नाव में यानी कि बोट में जो सबसे अहम बीज का पार्ट जो सबसे अहम रोल अदा करता है वो लकड़ी का पार्ट जिसमें सारी की सारी नाव की जितनी भी सब्सटेंस है जितना भी नाव में लगा हुआ जो भी मटेरियल है वो उसमें फिट किया जाता है उसको हम मास्ट must मस्तूल कहते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे कि साइकिल में एक कैची उसका मेन फ्रेम होता है वैसे ही नाव में जो मस्तूल होता है वो उसका मेन फ्रेम होता है ही डिसाइडिड दैट और उसको देख कर फटीक ने डिसाइड किया क्या डिसाइड किया दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर के बेसारे के सारे साथ मिलकर क्या करेंगे शिफ्ट द लॉग इस लॉग को यहाँ से मिलकर उठाएंगे बाई मेन फोर्स सारे लोग एक साथ इसमें ताकत का प्रयोग करेंगे और इसको धकेलेंगे और धकेल कर फ्राम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे और इसके स्थान से इसे धकियाते हुए गोल गोल घुमाते हुए यहां से उठाकर कहीं दूसरे स्थान पर डाल देंगे तो गाइस मैं एक बार आपको फिर समझाता हूं कि इसका जो करेक्टर है फटिक जो कि अपने ग्रुप का लीडर है बहुत ही शरारती है उसका पूरा ग्रुप शरारती है और शरारत में जब ये नदी के किनारे खेल रहे होते हैं तो वहाँ उन्होंने एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा देखा होता है लकड़ी का वो लट्ठा जो कि वहाँ पर नाव को बनाने के लिए मस्तूल में प्रयोग किए जाने वाला होता है तो उसके दिमाग में खुरापात आती है और वो ये आती है कि ना हो इस लकड़ी के लट्ठे को सभी लड़के मिलकर सभी शरारती जो बच्चे हैं वो सब मिलकर इसको लुढ़कते हुए यहाँ के बजाय कहीं और जाकर डालें जाकर इसलिए ताकि बाद में जब इस लकड़ी के लट्ठे का मालिक आकर इसको ढूंढेगा और वो यहाँ नहीं मिलेगा तो वो गुस्सा होगा नाराज होगा गालियां बकेगा और फिर इन बच्चों को चोरी चोरी छुपे छुपे उनको देखकर बड़ा मजा आएगा द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज तो ये जो लट्ठे का मालिक है वो आश्चर्यचकित होगा और उसको बहुत ही गुस्सा आएगा एंड दे वुड ऑल इंजॉय द फन और जब वो गुस्सा करेगा और आश्चर्यचकित होगा और वो घबरा जाएगा कि उसका ये लकड़ी का लट्ठा कहाँ चोरी हो गया तो ये सारे लड़के मौज मस्ती करेंगे उसका आनंद उठाएंगे मज़ा आएगा एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल और जैसे ही फटिक ने अपने ग्रुप में ये बात सबके सामने रखी कि चलो हम लोग एक ऐसी शरारत करते हैं तो तुरंत के तुरंत उसके साथ के जितने भी जितने भी उसके ग्रुप में जो भी लड़के थे वो सारे के सारे उसके प्रपोजल पर एकदम तैयार हो जाते हैं हामी भर देते हैं एंड इट कैरीड अन और तुरंत उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि ठीक है चलो हम इसको धकियाते हुए गोल गोल घुमाते हुए हम इसको लेकर चलते हैं बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगन लेकिन जैसे ही जैसे ही उन लड़कों ने फटिक के साथ में उस लट्ठे को वहां से लुड़काते हुए किसी दूसरी जगह ले जाने का इरादा बनाया कि तभी क्या होता है माखन फटिक्स यंगर ब्रदर एक लड़का जिसका नाम है माखन और ये कोई और नहीं बल्कि ये फटिक का छोटा भाई है अप एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम वो लड़का वहां पर आया यानी कि फटिक का भाई आया और आकर वो जो लट्ठा रखा हुआ था जिसको ये लुड़का कर ले जाने वाले थे छिपाने वाले थे या दूर कहीं डालने वाले थे उस पर आकर वो बैठ गया इन फ्रंट ऑफ वर्ड और उन सारे जो भी पटिक के जो ग्रुप लीडर्स थे, उनके सामने आकर उस लट्ठे पे बैठ गया और कुछ भी कहे बिना आकर चुपचाप मौन धारण करके उस लट्ठे पे बैठ गया गाइस यहां पे उसके लट्ठे पे बैठने का कारण ये था कि वो सबको तंग करना चाहता था और तंग करने की दृष्टि से वो उस आ उस पर आकर बैठ गया यहाँ पर गाइस कुछ अजब ही हुआ और अजब यह हुआ कि वो लोग उस लट्ठे को लुड़का कहीं और डालना चाहते थे ताकि वो उस लट्ठे के मालिक को परेशान करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर जो फटिक का भाई है माखन वो आ जाता है और उस लट्ठे पे बैठ जाता है और उल्टा इन्हीं लोगों को परेशान करने लगता है और इनके काम में अड़ाने लगता है द बॉय वर पजल्ट फॉर अ मोमेंट सभी लड़के उसकी इस हरकत को देख कर के उसके बीच में आकर उसने टांग अड़ाई और आकर लट्ठे पे बैठ गया और उसको जो है बैठ कर उसको रोक लिया जो कि वो लोग गोल गोल लुड़का कर ले जाने वाले थे ही वॉज पुस्ड रैदर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज जब वो आकर बैठ गया तो उन लड़कों में से एक लड़के ने उसे धीरे से हाथ लगाकर यूं धक्का देते हुए कहा धीरे से विद रिस्पेक्ट याद रखना धीरे से धक्का देते हुए कहा, कहा कि इस पर से हट जाओ तुम क्यों इस पर बैठ गए हो टिमिडलीम होता है डरते हुए एक्चुअली उस लड़के ने माखन को धीरे से और डरते हुए क्यों हटाया क्योंकि माखन का जो भाई है फटिक वो उसके उस ग्रुप का लीडर है इसलिए उसके लीडर की वजह से उसके भाई को उसने डरते हुए धक्का दिया और धक्याते हुए कहा कि इससे अलग हटो हमारे खेल में बाधा ना बनो बाई वन ऑफ द बॉय एंड टोल टू गेट अप बट ही क्वाइट अनकंसर्न लेकिन उसके कहने के बावजूद भी किस लट्ठे से हट जाओ हमें हमारा खेल खेलने दो लेकिन जो माखन था वो खामोश चुप के चुप बैठा रहा और उसने किसी की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो उस लट्ठे के ऊपर बैठ जाता है एक पैर इधर एक पैर उधर करके और चुपचाप खामोशी के साथ और वो कुछ भी जवाब नहीं देता ही अपियर लाइक यंग फलासफर और ऐसे बैठा है जैसे कि बैठ कर कोई बहुत बड़ा विद्वान बैठा हुआ है यंग फलासफर फलासफर मीन दार्शनिक यंग मतलब छोटा यानी कि कोई छोटा दार्शनिक बैठा हुआ यहाँ पर छोटा उसकी उम्र के लिए कहा गया जबकि मैंने आपको एक बड़ा फलासफर यानी कि दार्शनिक का मतलब ब्रेन से इट मीन्स टैलेंट से बड़ा तो कहते कि जैसे कि एक बड़ा सा विद्वान फलास्फर बैठा हो मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ द गेम्स और आकर बैठ कर जो खेल चल रहा था उस खेल के विषय में कुछ सोचने लगा हो मेडिटेट चिंतन और मनन करने लगा हो फटिक वॉज फ्यूरियस माखन की हरकत पर फटिक जो कि उसका बड़ा भाई है उसको बड़ी तेज गुस्सा आता है और वो कहता है माखन देखिएगा डबल यूनाइटेड कॉमा में इसको लिखा गया है इसका मतलब है कि पुकारना वो अपने भाई को आवाज़ देकर या पुकार कर कहता है माखन चिल्लाते हुए आवाज़ दी और उसका नाम लिया और कहा इफ यू डोंट गेट डाउन अगर तुम अभी के अभी, अगर तुम अभी के अभी, अभी अभी के के अगर इस लट्ठे से अगर नहीं उठे ना आय थ्रैश यू तो याद रखना उठा के फेंक देंगे तुम्हें और इस लट्ठे को लुड़काएंगे साथ में तुम भी दब जाओगे और तुम्हारी यही की जो है अभी हालत पतली हो जाएगी माखन ओनली मूव्ड अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन तो उसकी इस नाराजगी पर गुस्सा होने पर माखन थोड़ा सा हिला तो बट किस लिए हिला और ज्यादा आराम से और मजबूती से बैठ जाने के लिए हिला नाउ फाटिक वॉज टू कीप हिज रिगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक अब फटिक के आगे इज्जत की बात बनी अब फटिक को ऐसा लगने लगा कि उसका जो ग्रुप है जिसका वो लीडर है जिसकी हर कोई बात मानता है उसका ही भाई आकर उसके बीच में रुकावट पैदा कर रहा और बात नहीं मान रहा तो उसकी उसके ग्रुप में बेज़ती हो रही है इसलिए उसकी इज्जत की बात आ पड़ी और उसे सभी के सामने अपनी इज़्ज़त रखनी थी इट वॉज़ क्लियर ही हाउ टू कैरी आउट हिज थ्रीट और इसलिए फटिक को अपने उस ग्रुप में जिसका वो लीडर था उसमें डर बनाए रखने के लिए अपना झापा बनाए रखने के लिए उसके लिए ज़रूरी था कि सबसे पहले वो अपने भाई माखन को हटाए और माखन को डराए बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस लेकिन उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी माखन नहीं हटा वो जिद पकड़कर उसी पे बैठा रहा और फटिक जो था उसने अपना गुस्सा करके धमकाकर वो खामोश हो गया परंतु उसने बात नहीं मानी परंतु फटिक अंदर से ही अंदर से बहुत ज्यादा क्रोधित था वो बहुत कुछ करना तो चाहता था परंतु खुद का भाई होने के कारण वो कुछ कर नहीं सका रीज़न ये गाइस क्योंकि वो जानता था कि उसका घर का मैटर क्या है अगर वो छोटे भाई को कुछ भी करता तो उसको घर पर जाकर माँ का सामना करना पड़ता एक्चुअली फटिक का जो डर है वो माखन नहीं बल्कि फटिक और माखन की माँ है हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड फटिक जो कि बहुत ही तेज तर्रार है दिमाग से उसके दिमाग में बहुत ही खुरापातें और शरारतें उपस्ती रहती हैं बहुत ही चालू किस्म का लड़का है लेकिन इसके बावजूद भी उसके भाई की ढीठ पने से हरकत के वजह से उसका दिमाग जो है वो सीज हो जाता है मीन्स काम करना बंद कर देता और वो सोचने लगता कि कैसे इस कम वक़्त को यहाँ से हटाया जाए अपॉन अ न्यू नॉन ओवर विच वुड डिसकम्फिट हिज ब्रदर और वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो उसका भाई उसको यहाँ से हटाया जा सके एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडिड अम्यूजमेंट और ऐसा करने से पहले इससे पहले वो कोई फैसला लेता कि इन दोनों भाइयों में आपस में ठन गई वो उसको ठिल्ने लगे और वो उसको ठिलियाने लगे और जो बीच के लड़के थे वो उन दोनों के झगड़े का आनंद लेने लगे यू कैन अंडरस्टैंड कि कई बार ये जो शरारती टाइप के जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं जब दो लोगों को आपस में भिड़वाते हैं तो बड़ा कॉमेडी करते हैं कहते लो इन्होंने ऐसे कह दिया देखो तुमसे ऐसे कह दिया अले तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं ये और वो इस प्रकार की कमेंट्स करके दो लोगों को खूब लड़ाते हैं और ख़ूब इन्जॉय करते हैं एक्चुअली वो बच्चे होते हैं उनका वो ये सब करना जो होता है वो एक फ़न के तौर पर होता है ही गेव द वर्ड ऑफ द कमान टू रूल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर और जब फटिक अपनी सारी कोशिश कर चुका होता है और उसका भाई माखन नहीं हटता तो फटिक जो है वो अपने ग्रुप के सभी लड़कों को ऑर्डर करता है कहता है इस लट्ठे को गोल गोल घुमाओ और ये अगर ना हटे तो ये दबे तो इस लट्ठे में दब जाने दो इसकी कोई परवाह नहीं माखन हर्ड द ऑर्डर और जैसे ही माखन ने फटिक को एक गंभीर तौर से सीरियस तरीके से अपने ग्रुप को ऑर्डर देते हुए सुना एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन और उसने देखा कि अब माखन को लगने लगा कि माखन की इज्जत की बात आन पड़ी अगर इन्होंने इस लकड़ी के लट्ठे को लुड़काया और माखन सबके सामने गिर गया तो अब माखन की बेजती हो जाएगी एक्चुअली दोनों ही भाई अपनी अपनी इज्जत को वहां पर सबके सामने मेंटेन करने में जुटे हुए हैं बट ही ओवर लुक द फैक्ट लेकिन माखन ने जरा हालात देखे और हालात देखे लाइक दोज फेम इन अदर मैटर दैट There was barely need. और उसने देखा कि जैसे ही जैसे ही ये लड़के लट्ठा घुमाएंगे तो उसकी सारी शान शौकत और रंगबाजी जो है हिटलरी जो है वो दिखा रहा है वो सब एक सेकेंड में सब धूल में मिल जाएगी द बॉय बिगेन टू हीव एट द लॉक विथ ऑल देयर माइट और इधर आदेश के मुताबिक जो लड़के थे उन लड़कों ने जो लकड़ी का लट्ठा था उस लकड़ी के लट्ठे को पूरी ताकत लगाकर माइट मीस होता है गाइज शक्ति पूरी शक्ति के साथ एक आवाज़ में चिल्लाते हुए एक आवाज़ के साथ बोलते हुए उन्होंने उसको घुमाना स्टार्ट किया कॉलिंग आउट वन टू थ्री गो जैसे हम लोग अपनी हिंदी में कहते हैं एक दो तीन इस तरह से तीन जैसे ही कहते हैं तो हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं आज रनिंग के लिए हम लोग तैयार हों तो हम लोग क्या करते हैं तैयार होते हैं ओके okay, जब तीन कहेंगे तब दौड़ेंगे वन टू थ्री रन दौड़ पड़ते हैं वैसे ही वहां पर उन लोगों ने वन टू थ्री गो इसका मतलब हुआ एक दो तीन और घुमाओ यानी कि लुड़काओ तो तुरंत वो उस लट्ठे को लुड़काते हैं एट द वर्ल्ड गो और जैसे ही ये शब्द आया गो यहां पर गाइस गो का अर्थ है उस लकड़ी के लट्ठे को लुड़काने के लिए कहा गया है जैसे ही गो शब्द सुना माखन ने द लॉन्ग वेंट और लकड़ी का लट्ठा वो गोल गोल घूमा एंड विद इट वेंट माखन फिलासफी ग्लोरी एंड ऑल और जैसे ही वो लकड़ी का लट्ठा घूमा इससे पहले कि माखन माखन उससे उतर कर हटते माखन भी उस लकड़ी के लट्ठे के साथ लुढ़क के दूर गिरे जाकर और साथ ही साथ जब गिरे जाकर तो उनकी जितनी फलासफ़ी थी जितनी रंगबाजी थी जितनी हिटलरी दिखा रहे थे बैठे वो सब के सब उनकी फ्लासफी भी उस लकड़ी के लट्ठे के साथ गोल गोल घूम गई और वो गिर पड़े और उनके थोड़ी बहुत चोट भी लग गई All the other shouted. जैसे ही माखन गिरता है और लकड़ी का लट्ठा गोल गोल घूमकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा यहां से वहां पहुंचा तो माखन को गिरता हुआ देखकर जितने भी लड़के थे वो सारे लड़के जो थे वो हंसने लगे तेज तेज हंसने लगे शाउटेड देम सेल्स हॉर्स विद डिलाइट और खूब आनंद से खूब आनंद से हंसने लगे खूब उसकी मजाक उड़ाने लगे बट फटिक वॉज द लिटिल फ्राइटेंड सारे लड़के मौज मस्ती कर रहे थे क्योंकि माखन गिर गया था सबको मज़ा आ रहा था लेकिन फटिक जो था वो डरा हुआ था लिटिल फ्राइटन डरा हुआ था ही न्यू क्योंकि वो जानता था क्योंकि वो जानता था वट वॉज कमिंग कि अब इसका अंजाम क्या होगा कि छोटे भाई के जो चोट लग गई है इसका अंजाम क्या होगा फटिक इस बात को अच्छी तरीके से जानता था एनस्योर इनफ sure माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड उसने जान लिया था कि माखन अब जो है रोता हुआ घर जाएगा और जाकर उसकी माँ को जाकर शिकायत करेगा और उस पर झूठी झूठी बातें लगाएगा और उसकी माँ जो कि छोटे भाई का पक्ष करती हैं वो बंद आँखों से फटिक को ही दोषी मानेंगी एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज और जो चीखता चिल्लाता जाएगा रोता हुआ जाएगा ऐसा मानो प्रतीत होगा जैसे इसको बहुत मारा गया हो ऐसा गाइस अक्सर होता है कि जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बहुत ही ड्रामची और नाटकबाज होते हैं बड़े भाई बहनों को बहुत ही ज़्यादा मम्मी और पापा की डांट पढ़वाते हैं और कभी कभी मार भी पड़वा देते हैं क्यों क्योंकि उनको छोटी सी कोई बात हो जाए और वो उसको लंबी चौड़ी करके झूठ बोलते हैं और मम्मी पापा को ये लगता है कि वो छोटा वाला झूठ नहीं बोलता तो गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है जब घर में कई सारे बच्चे होते हैं तो अक्सर जो है बेकसूर जो बड़े भाई बहन होते हैं वो पिटा करते हैं या उनकी डांट पड़ा करती है क्योंकि तो पेरेंट्स हमेशा माँ बाप हमेशा छोटे बच्चों, बच्चों का ही फेवर किया करते हैं तो गाइज आगे देखते हैं ही रास्ट एट फटिक और माखन की जब चोट लग गई तो वो खिसिया जाता है और खिसिया जाने के बाद वो फटिक के ऊपर दौड़ता है एंड स्क्रैच हिज फेस और गुस्से में आकर अपने भाई फटिक के चेहरे को यूं नोच लेता है जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो बड़ों को मार नहीं पाते तो वो नोचने लगते हैं काटने लगते हैं तो काटने लगेंगे गुस्से में आकर बुरी तरीके से और नोचने लग जाएंगे तो फटिक ने भी अपने नाखूनों से उसके चेहरे पे नोचा जिससे कि उसके नाखून भी लग गए एंड बीट हिम और खूब पीटा आपने ये भी देखा होगा अगर आप घर में बड़े हैं तो आप खूब पीटे होंगे अपने छोटे भाई बहनों से अगर आप छोटे हैं तो आपने जरूर मकारी की होगी और अपने बड़े भाई बहनों को कूटा होगा पीटा होगा और अपने छोटे होने का खूब भरपूर फायदा उठाया होगा वैसा ही जो है वो माखन करता है फटीक के साथ में एंड देन वेन क्राइंग होम और मारने पीटने के बाद यू गाइज अंडरस्टैंड पहले नोचा फिर कूटा मारा लतियाया अपने बड़े भाई को और वो छोटे भाई के कारण मम्मी के डर से कुछ नहीं बोला और उसके बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं और रोते 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 घर पहुंचते हैं मम्मी के पास द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा इस प्रकार से अब कहानी आगे बढ़ती है पहला एक्ट पूरा होता है अब हम चलते हैं फटिक वाइब हिज फेस अब इधर जो उसने मुंह नोच लिया थोड़ा बहुत खून निकल आया होगा तो फटिक जो है वो अपना चेहरा पूछता है एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द संकन बार्च ऑन द रिवर बैंक और खेल तो वहीं का वहीं समाप्त हो गया लेकिन फटिक जो है वो टेंशन में आकर जाकर बैठ जाता है एक नाव एक ऐसी नाव जो कि नदी के किनारे पड़ी हुई है जिसका कुछ हिस्सा पानी में है और कुछ हिस्सा बाहर नदी के किनारे धरातल पर है उसके किनारे जाकर फटिक बैठ जाता है एंड बिगिन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास और जाकर वहाँ बैठ जाता है और बैठ कुछ लड़कों की आदत होती है कि उनके इर्द गिर्द उन्हें जो भी कुछ मिल जाता है वो उठाकर उसको मुंह में डाल लेते हैं चबाते रहते हैं मीन सम ऑफ द बॉयज च्यू द स्टिक्स कुछ लड़के माचिस की तीली मैच स्टिक चबाते हैं तो कोई घास फूस चबाते हैं तो कोई कुछ और चबाते हैं जैसे गर्ल्स अक्सर दुपट्टा चबाने लग जाती हैं तो दीज काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ आर फाउंड इन द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ एन इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लड़के एवं लड़कियों में पाई जाती हैं तो यूं ही इसी प्रकार से फटिक नाव के उस किनार पर बैठ जाता है जो नदी के किनारे पड़ी हुई है और साथ ही साथ वहाँ से घास यूँ तोड़ लेता है और उसको घास को चबाने लगता है दांतों से और तभी गाइस क्या होता है बोट केम वहाँ पर एक नाव आती है तैरती हुई एक नाव आती है उस नाव पे सवारियाँ हैं जो कि नदी के दूसरे हिस्से से नाव आई हुई है और ये नाव जो है वो सवारियों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने वाली है अब बोट कीम टू द लैंडिंग और आकर यहाँ किनारे रुकती है एंड अब मिडिल एज मैन और उस नाव से लोग उतरते हैं और उन लोगों में से एक आदमी उतरता है मिडिल एज जो कि अधेड़ उम्र का है मिडिल अधेड़ उम्र विद ग्रे हेयर जिसके बाल भूरे भूरे हैं एंड डार्क मुस्ताच और खूब घनेरी और लंबी लंबी काली काली मूछे हैं मेरे जैसी नहीं बल्कि मुझसे खूब लंबी यूनो you know, पुराने जमाने में लोग बड़ी शानदार मोटी लंबी मूछे रखा करते थे और मूछों का काफी पावर मिला करती थी काफी दमदार हुआ करती थी और मूछ का काफी महत्व होता था लेकिन आज तो मूंछ का कोई महत्व नहीं जब चाहो बढ़ा लो जब चाहो कटा लो सुबह उतरता है स्टेट ऑन द शोर वो आकर वहीं किनारे पर नदी के तट पर उतरता है लगभग फटिक के नजदीक शोर मीन्स होता है गाइज तट ही द बॉय और वो आदमी जो है फटिक को वहां पर बैठे हुए देखता है सिटिंग दे आर डूइंग नथिंग फटिक जो कि वहां पर कुछ नहीं कर रहा था सिवाय घास चबाने के घास चबा रहा था बैठे बैठे घास एक्चुअली इसलिए चबा रहा था वो टेंशन में था और जब इंसान टेंशन में होता है तो वो छोटी मोटी एक्टिविटीज करता रहता है जैसे कि कुछ चबाते रहना पेन हाथ में है तो हिलाते रहना या कुछ यूं गोल गोल घुमाते रहना मीन्स इट्स अ नेचर वेन वी थिंक समथिंग वेन वी थिंक समथिंग देन वी ऑल्सो डू सम ऑफ द एक्टिविटीज विद हैंड्स एंड लैग्स जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो उस समय हम अपने हाथों या पैरों से कुछ एक्टिविटीज भी करते रहते हैं जैसी सोच होती है वैसी ही एक्टिविटीज हम अपने हाथों और पैरों से क्या करते हैं सो हेयर हेयर ही इज चीविंग हिम और उस आदमी ने फटिक से पूछा क्या पूछा वेयर द चक्रवर्ती इज लिव्ड पूछा ये बताओ चक्रवर्ती लोगों का मोहल्ला कहाँ पे है ये चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास लेकिन फटिक जो कि टेंशन में था और वो सोच रहा था कि माखन ने जाकर जैन क्या क्या झूठ लगाया होगा और घर जाते ही मेरी मार पड़ेगी उसने उस आदमी की बात को नहीं सुना वो अपने मुंह में जो घास दबाए हुए था उसको चबाता रहा एंड सैड और बिना ध्यान दिए बिना रिएक्शन किए और अपनी धुन में लगे रहने के साथ क्या कहता है कहता है ओवर देयर वहां चले जाओ बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल लेकिन ये तरीका कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि एक अजनबी समझ जाता कि इसने कहाँ और किधर बताया तो वो अजनबी समझ नहीं पाता है वेयर ही पॉइंटेड और उसने किस तरह इशारा किया जाने को कि चक्रवर्ती लोगों का मोहल्ला किधर है वो समझ नहीं पाता है द स्ट्रेंजर आज हिम अगेन तो उस अजनबी ने उस लड़के से यानी कि फटिक से एक बार फिर पूछा ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार जब उस आदमी ने फटिक से दोबारा पूछा तो फटिक ने अपने पैर दूसरी तरफ करते हुए उसकी तरफ पीट कर ली मीन नाराज़गी जैसी जताते हुए इट मीन्स ऐसे कि जैसे कि वो बताना नहीं चाहता इसलिए उसकी तरफ पीट कर ली एंड सैड और कहा गो खुद जाओ एंड फाइंड आउट और जाके खुद ही ढूंढ लो जाके हमसे ना पूछो हमें नहीं मालूम एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर लेकिन अभी भी घास मुंह में दबाए हुए है उसको चबा रहा है पहले की वहां थी बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस लेकिन अब क्या होता है कि इधर फटिक जो था घास चबा रहा होता है और उधर से उसके घर से एक नौकर आता है नौकर मतलब फटिक के घर से नौकर आता है एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वॉन्टेड हिम और फटिक को आकर कहता है कि लल्ला तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बुलाओ है फटिक, move, लेकिन फटिक नौकर की बात सुनने के बावजूद भी उसने नजरअंदाज कर दिया वो हिला तक नहीं बट दर्वेंट वॉज मास्टर ऑन दिस ओकेजन लेकिन मालिक, इस समय जो नौकर था वो नौकर नहीं वो मालिक था क्यों क्योंकि बड़ी मालकिन ने यानी कि घर की, की मेन मालकिन ने उसे ऑर्डर दे के भेजा था कि लेकर आना और ना आए तो घसीट के पकड़ के लेकर और पीटते हुए लेकर आना बट लेकर जरूर आना तो इस समय जो नौकर था ना को मालिक के बराबर पावर लेकर आया था बड़ी मालकिन से ही टुक फटिक अप रफली उसने फटिक को रफली इट मींस बहाने के लिए तैयार नहीं था इसलिए जबरदस्ती उसको पकड़ा एंड कैरीड हिम और जबरदस्ती पकड़कर लेके चल दिया किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इंपोटेंट रैच और फटिक जो था वो ना जाने के लिए जित करता रहा लेकिन वो घसीटता हुआ पकड़कर नौकर जो था फटिक को घर की ओर लेकर चला गया केम इन टू द हाउस लेकिन होता कुछ यूं है कि जब फटिक घर में पहुंचा यानी कि नौकर जब फटिक को लेकर घर में पहुंचा इज मदर साम माँ ने जैसे ही फटिक को देखा she called out angrily. और गुस्से में आकर माँ चिल्लाई और बोली सो so, यू हैव बीन ईटिंग माखन अगेन फिर तुमने मारा तुम मारना बंद नहीं करोगे तुम रोज रोज उस छोटे भाई को मारते हो एक बार तुमने फिर मारा माँ बहुत गुस्सा क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले से ही ऑलरेडी फैमिली में हो रही थी और गाइस कोई नई बात नहीं है इट इज द फैमिलीज और यही चीजें तो मज़ेदार होती हैं फैमिली में यही चीजें तो मज़ेदार होती हैं कि लड़ो झगड़ो फिर एक हो जाओ फटिक एंड इनडिगनेटली पटिक जो है जवाब देता है और कहता है कि नो no, नहीं आई मैंने तो नहीं मारा Who told you that? किसने कहा कि तुमने, तुमसे मैंने, मैंने मा चिल्ला पड़ती हैं और चिल्ला कर कहती है डों झूठ मत बोला करो यू हैव डिटन तुमने मारा है रोता हुआ आया घर पे फटिक सेट सडनली फटिक ने एकदम से कहा आई टेल यू मैं तुमसे कह रहा हूं आई हैवंट मैंने नहीं मारा उसे या अपने आप जो है रो रहा था यू आस्क माखन और यकीन ना आए तो आप खुद माखन से पूछ लो कि हमने मारा या नहीं मारा इनफैक्ट माई डियर स्टूडेंट फटिक ने माखन को सच में नहीं मारा लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि उल्टे फटिक ही फंस गए हैं छोटे भाई की चुटपने के कारण बट माखन थॉट लेकिन माखन को बदला लेने का मौका मिल गया तो माखन ने सोचा इट बेस्ड टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट कि भैया अभी इन्होंने जो मेरे साथ में यानी कि जो बदतमीजी वहाँ पे हुई कि इसका बदला लेने का बेहतरीन मौका है तो माखन ने वो बदला लेने का मौका गवाया नहीं ही सैड और माँ से कह दिया क्या कह दिया यस मदर मम्मी मारा था इसने हाँ मम्मी इसने मारा था फटिक डिड हिट हिम कि फटिक ने मुझे मारा था मतलब झूठा नाम रख दिया ऐसे छोटे छोटे बच्चे अक्सर करते हैं और बड़े वाले बच्चे खूब पिटते हैं फटिक फटिक ऑलरेडी जो कि पहले से ही घबराया हुआ डरा सा धैर्य तोड़ चुका था जब उसने सामने सामने माँ के झूठ बोल दिया और उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया ही कुड नॉट हेयर दिस इनजस्टिस तो ये अन्याय की बात ये झूठ बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई ही रस्ट एट माखन और फिर खिसियाकर माखन के ऊपर फटिक दौड़ा एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज और बनाया ऐसे घूसा द घूसा घूसा द घूसा इससे पहले तो गाइस फटिक ने माखन को नहीं मारा था बल्कि माखन ने ही फटिक को मारा था नोचा था लेकिन अब गुस्से में आकर फटिक ने माखन को माँ के सामने खूब घूसों से कूद डाला और क्या कहा टेक इट जेल ही क्राइड एंड दैट एंड दैट फॉर टेलिंग लाय झूठ बोलोगे जेल लो यूं घुसे घुसे यूं घुसा यूं घुसा यूं घुसा यू यानी कि वो कहता है बार-बार कि झूठ बोलोगे और लो और लो और लो मारता जाए और कहता जाए मारता जाए कहता जाए इस प्रकार से फटिक ने माखन को मां के सामने कूट दिया तो पीछे तो नहीं मारा था बट यहां पर सबूत सारे दे दिए फटिक स्पेसेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड सॉरी टुक माखन साइड और जैसे ही माँ ने फटिक को माखन को बुरी तरीके से पीटते हुए घूसों से मारते हुए देखा तो माँ ने तुरंत का साइड लिया इन फा, हुए से उसको खींच कर अलग करने लगी बीटिंग हिम अब क्या हो रहा था सिचुएशन बड़ा इंटरेस्टिंग थी फटिक जो था वो माखन को घूसे से मार रहा था और माता जी उसको छुड़ाती जा रही थी और पीछे से फटिक को मार रही थी विद हर हैंड ने थोड़ा सा कुछ भी रिएक्शन कर दिया इससे क्या हुआ कि माँ को धक्का लग गया और माँ थोड़ी धक्के में दूर चली गई तो क्या होता शी शाउटेड तो माँ एकदम से चिल्लाने लगी कहती है व्हाट यू लिटिल विलेन अरे नालायक बदतमीज तमीने कहीं के बुड यू हिट योर ओन मदर अब तुम अपनी माँ को मारने लग गए अब अपनी माँ को मारोगे फाटिक एकदम कंफ्यूज फाटिक खामोश क्योंकि उसने मारा नहीं था लेकिन आपस की लड़ाई में माँ के धक्का लग गया था और इस प्रकार से वो एकदम खामोश हो जाता है तो गाइस ये वीडियो में आपको इतना ही मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगा और आगे का टेक्स्ट आप नेक्स्ट वीडियो में बने पढ़ेंगे और गाइज सारे जो पार्ट्स हैं वन टू थ्री आई मीन्स आई एम गोइंग टू डेवलप दिस वीडियो इन अ थ्री पार्ट्स ये जो वीडियो है वो तीन पार्ट्स में होगा तब जाकर ये लेसन कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि लेसन काफ़ी लंबा है तो इसलिए सीरियल वाइज आप तीनों ही लेसन अवश्य देखें ऑल द बेस्ट दट सेट